सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th of April 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2022-23 एज पर RBI's मॉनेटरी पॉलिसी April 2022। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज सी विच इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसके ऊपर ये जो दिया हुआ है ना, वेट अ सेकेंड, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके ऊपर आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा कब बना, कैसे बना, फॉर्मेशन एंड जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स होगी ना, आप वो थोड़ा सा उसके ऊपर पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च द अवसर स्कीम। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ए विच इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि इसका चेयरमैन अभी कौन है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज ए विच इज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी विच इज 10th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन नेवी एयर क्रू कंप्लीटेड ट्रेनिंग। सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी विच इज US। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनवील्ड द आइडियाथॉन मंथन टू प्रमोट इनोवेशन। सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी विच इज सेबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप। सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज सी विच इज डॉक्टर अनुभव घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ द चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सो राइट आंसर ऑफ टेंथ इज बी विच इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज पार्टनर विद द कॉमन सर्विस सेंटर। सो राइट आंसर ऑफ इलेवेंथ इज ए विच इज टाटा AIA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड अ पॉजिटिव पे सिस्टम। सो राइट आंसर ऑफ ट्वेल्थ इज सी विच इज पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स टू UN वुमेन। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज 05 और 5 भी आप सीधा बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ दिल्ली मेट्रो। सो राइट आंसर ऑफ 14th इज ए विच इज विकास कुमार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट टू अप्लाई बूस्टर डोज टू पीपल अबव हाउ मेनी ईयर ऑफ एज। सो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज 18। तो जिन लोगों ने फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा रखा है, वेल एंड गुड, एंड उन लोग जो जिन्होंने लगा रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, उन लोगों के लिए बूस्टर डोज भी आएगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी ये अवेलेबल रहेगा, जब से शुरू होगा, जस्ट गो अहेड एंड मतलब आप लगा लो। जितने अच्छे तरीके से आप वैक्सीनेट हो जाओगे, उतना बढ़िया तरीके से आपको कोविड नहीं होगा। ओके, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 18 से बिलो वाले जो एज है उनका भी शुरू हो चुका है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली WHO हैज सस्पेंडेड द सप्लाई ऑफ विच कोविड वैक्सीन। सो राइट आंसर ऑफ 16th इज सी विच इज कोवैक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉपडेड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड richest सेल्फ मेड वुमेन इन 2022। सो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज वु यांजू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाभा। सो राइट आंसर ऑफ 18th इज सी विच इज महेश वर्मा। आपको यहाँ पे नाभा का फुल फॉर्म पता करना है, नाभा किस चीज़ के लिए काम आता है, तो किस सेक्टर में काम करती है, चेयरमैन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके, आप चाहो तो इसका एस्टैब्लिश भी चेक कर सकते हो, तो कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज रिसेंट बाय WHO, 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। सो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्सल हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट विद स्पेस एक्स, वॉट इज इट्स नेम? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज शकुंतला. सो मूविंग फॉर आर स्टैटिक पोर्शन, सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो राइट आंसर ऑफ 21st इज डी, विच इज क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डैम इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका? सो राइट आंसर ऑफ 22 इज सी, विच इज चामेरा डैम. तो अगर चामेरा डैम अगर कर्नाटका में नहीं है, बाकी इसके अलावा सूपा, अलामती एंड तुंगभद्रा सब कर्नाटका में है, बट अगर चामेरा यहाँ कर्नाटका में नहीं है तो फिर ये कहाँ पे? तो ये है अपना हिमाचल प्रदेश में. ओके, इस तरीके से आपको लाइक क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस में भी आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक तीन अलग अलग डैम्स हैं, तो डेफिनेटली तीनों कर्नाटका के ही होंगे. एंड अगर नहीं भी है लाइक क्वेश्चन कुछ और भी पूछा जाता है, तो आपको जो जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें आपको उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द सिरोही नेशनल पार्क लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 23 इज ए, विच इज मणिपुर. अब जैसे कि मैंने लाइक ऊपर वाले में हल्का फुल्का कन्फ्यूज हुआ होंगे आप, लेकिन इस क्वेश्चन में लाइक देखो यहाँ पे मणिपुर है. मणिपुर का आपको क्या क्या याद होना चाहिए? पहले तो आपको CM, उसके बाद कैपिटल, मतलब फर्स्ट तो कैपिटल ही होगा. CM और कैपिटल दोनों इंपॉर्टेंट हैं. सेम मिजोरम के लिए हिसाब से, सेम सिक्किम के हिसाब से, सेम छत्तीसगढ़ के हिसाब से. यहाँ पे और आप क्या याद कर सकते हो? जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम इंडिया में कब इंटीग्रेट हुआ था आप उसका ईयर याद रख सकते हो, डेट याद रख सकते हो. छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, आप इस चीज़ को याद रख सकते हो. बाकी ये दोनों ये स्टेट कब बने ये याद रख सकते हो. ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जब आप ऑप्शंस को देखते हो तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक की चीज़ें आनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? सो राइट आंसर ऑफ 24th इज बी, विच इज अप्रैल 29. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन इंडिया इज द लेंगेपोई एयरपोर्ट लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 25th इज डी, विच इज मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 26 इज सी, विच इज तमिलनाडु. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द नानगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 27th इज ए, विच इज इन पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागार्जुना सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 28th इज सी, विच इज आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूना इज अ करेंसी ऑफ विच ऑफ दीज कंट्री? सो राइट आंसर ऑफ 29 इज डी, विच इज कायरोटिया. डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर? सो राइट आंसर ऑफ 13 इज बी, विच इज एबिन मॉरिशस. बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौलाना आजाद लाइब्रेरी इज एलोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 31st इज बी, विच इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? सो राइट आंसर ऑफ 32 इज डी, विच इज मार्च 24th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 33 इज बी, विच इज मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दालखाई इज अ पॉपुलर फॉक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 34th इज ए, विच इज ओरिसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ एन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इज लोकेटेड इन? सो राइट आंसर ऑफ 35th इज सी, विच इज म्यूनिक जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलगांव बनाना इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ विच इंडियन विच स्टेट? ओके, सो राइट आंसर ऑफ 36 इज बी, विच इज महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ओशियनग्राफी कमीशन ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 37 इज डी, विच इज पेरिस फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बद्रिया नेशनल पार्क लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 38 इज ए, विच इज नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट? सो राइट आंसर ऑफ 39 इज सी, विच इज दलाई लामा. दलाई लामा के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, दलाई लामा, पंचन लामा. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
वॉट इज द कैपिटल ऑफ निकारगुआ? सो राइट आंसर ऑफ 40 इज डी, विच इज मनानगुआ इज द राइट आंसर. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.